सो लेडीज एंड जेंटमैन वेलकम टू सिक्स मॉड्यूल वेर वी विल डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजिकल एंड सोशल बैकग्राउंड टू अचीवमेंट अच्छा अब इस आइडिया को आपने समझा लास्ट में हमने लास्ट डिस्कस किया कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है और उसमें मैंने आपको बिब्लिकल डिवाइन और सोशल एग्जाम्पल्स दी फिक टेलर से लेकर उस माशरे की आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और अब मैं बढ़ता हूँ आगे साइकोलॉजिकल मॉडल की तरफ देखिए बिल्डिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफीन इकॉनमिस्ट और मोर कंड्यूसिव टू ग्रोथ अच्छा अब ये देखें कि माशर्ती तकसीम के अंदर अगर आप देखते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं बहुत सारे माशरे अभी इस आप वक्त आपके जहन में होंगे आप आ, एक कल्चर देखते हैं कि चाइना जो है 1949 के अंदर आज़ाद होता है माओ जो हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो आ, आ, जो लोग हैं वो भंग पी रहे हैं सो रहे हैं काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है और मजहबी ख्याल आते हैं या तो वो मजहब की तरफ इंकलाइंड है या वो नशे की तरफ इंक्लाइंड अच्छा अब ये माशरा सो रहा है अच्छा अब यहाँ पर तकसीम कार इस तरह है कि काम हो नहीं रहे और जो बादशाह हैं उनको फिर जो है वो पीसेंट और ग़ुलाम और मज़ारे की सूरत में ट्रीट कर रहे हैं और फिर जो है वो पोर्गीज़ और बाकी मामलों डेवलप होते हैं इनके हकूक़ की बात कैसे करेंगे जब कहिए खुद सो रहे हैं तो ये वाले मामल जब आप देखते हैं कि ये एक माशरा इस तरह का था तो जहाँ हम देखते हैं कि जैपनीज़ कल्चर के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी अपने दादा के सामने अपने बड़े के सामने पेश करनी है तो इसी के सामने मैं एक रेफरेंस देना चाह रहा था कि एक किताब है एक गाई सो एक गाई के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर अभी रिसेंट के अंदर बड़ी फेमसली यानी अवेलेबल है आ, सब लोग उसको पढ़ना चाहते हैं बेसिकली वही है जो हमारा बेसिकली क्रक्स ऑफ द इस्लाम भी है कि नहीं फजर जोहर असर मगरब इशा इन टाइमों की अगर घड़ी को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट है आपने सुबह से काम करना शुरू किया जोहर को आपने ख़त्म मुकम्मल करना है और थोड़ी देर सस्ता लेना है एंड देन फिर असर तक जो है वो बाकी चीज़ों को मुकम्मल करके मगरब से लेकर जो है वो इनको कंक्लूड करना है और मगरब से इशा तक जो है वो बाकी सारी चीज़ों को जो है वो चहलकदमी कीजिए और सोने की तैयारी कीजिए एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल फजर अच्छा यही टाइम लाइन जो है वो उसमें भी दी गई जैसे मैंने आपको एका गाई की एग्जाम्पल दी ये सोशल बिहेवियर है कि आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसी है और अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है इसी के साथ ही आपका जो है वो प्रोडक्टिविटी भी है तो वहाँ जैनीस कल्चर के अंदर ये था कि प्रोडक्टिविटी अगर नहीं लाएंगे और कंपेटिटिव नहीं होगी बाकी से कंपटीशन में ज़्यादा नहीं होगी तो वह अपने आप को इस अहल समझते थे कि हमें खुदकशी कर लेनी चाहिए तो ये एक उनकी मजहबी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी यू कैन रेफ़र टू द रियल स्टेटमेंट कि वो कहाँ पर अवेलेबल है तो आप उसको रेफ़र भी कर सकते हैं अच्छा अब मैंने कहा कि ये जैपनीस कल्चर है इसी तरीके से अगर आप सऊदी कल्चर को देखें तो वहाँ पे बदूं का कल्चर था वहाँ पर कलाम का जिक्र था वहाँ पर शेर व शायरी थी गज़ल था वहाँ पर सराहत थी आ, आराम परस्ती थी आ, तबीयत के अंदर आ, आयाशी थी लेकिन आ, आपकी जो है वो कामों की तरफ तबीयत नहीं थी तो आज भी अगर इस माशरे को देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो काम करनी और मुशक्क़त का जो है वो जोड़ आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको जैपनीज कल्चर के अंदर मिलेगा यही कल्चर जो है वो डेवलप कर दिया माओ ने चाइना के अंदर और आपको अब चाइना के अंदर जो है मुसलसल 24 घंटे काम के अंदर और टाइम के अंदर रहते हुए यानी अपने टाइम्स की ब्रैकेट्स के अंदर मुकम्मल रहते हुए आपको टाइम लोग मिलेंगे यही कल्चर अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारे कल्चर के अंदर बहुत मिक्स एंड मैच मिल रहा है अगर आप अमेरिकन कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कामों के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक चंद परसेंटेज मिलेगी लेकिन माशरा ओवरऑल सोशल सर्कल या सोशल सोसाइटी या कल्चर या कल्चरली वर्कोहलिक होना वर्क कल्चरली इज अ डिफरेंट एग्जांपल और यू कैन से कि ये इसका आइडिया ही डिफरेंट है अब हम देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या आप देखें कि वो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई तो उसने खुदकुशी कर ली अब यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे मजहब के अंदर देखें तो हराम है यानी खुदकुशी तो आप नहीं कर सकते लेकिन आपकी ज़िंदगी का मकसद ना होना आपको जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपके हाथों ने सही काम किया आपकी आंखों ने सही काम किया आपको जो जिंदगी दी और सांस का आना और जाना था क्या इसको आपने बामकसद तरीके से गुजारा या नहीं गुजारा तो आपने खुद तो कमाया अब उसकी एसेंस को भी समझें तो अगर ज़क़त के सेंस समझे खैरात के एह समझे या लोगों को बांटने के सेंस समझे तो इंडस्ट्री भी अगर आप लगा रहे हैं तो अपने लिए प्रोफिट मोटिव के लिए काम यानी आपने अच्छा कमाया है ठीक हो गया लेकिन आपने लोगों को कितना खिलाया इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा सो यू आर आंसरेबल फॉर योर द वेल्थ बल फीड्स your uh, तो ये आंसरेबल या अकाउंटेबल होना ये कल्चरली डेवलप होता है आगे देखते हैं हम फॉर इंस्टेंस वन कैन गो नॉर्डिक पीपल अ सिग्नीफिकट रोल इन द राइज ऑफ मोर ग्रेटर सिविलाइजेशन देन एनी अदर ग्रुप एंड ऑल्सो कंसिडर द मैक्सर थी जो अभी मैंने डिस्कस किया कि वो उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंटिज्म थे या हैड समू विपिटलिज अब वो प्रोटेस्टेंट्स जो थे आप ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट समझ लीजिए कि नहीं जिद्दत पसंद कर लीजिए आप प्रोटेस्टेंट को वो मजहब की एक शाख थी जिसके अंदर प्रोटेस्टेंट्स थे आप सादा जुबान में समझेंगे तो यही आप समझ लें कि जैसे वो थे ऑर्थोडॉक्स जो थे वो इबादत इबादतों में लगे रहते थे अपने टाइम को ज़ाया करते थे इबादत कीजिए लेकिन टाइमली लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है तो वो हर वक्त और आ, लेवल के ऊपर थे कि ये क्यों कमाया जाए कैसे कमाया जाए किस लिए कमाया जाए उससे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे और फलसफियाना बहसों के अंदर पड़ जाते हैं इधर जो प्रोटेस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास भी कल अकासिब वबीबुल्ल अल्लाह उसे पसंद करता है जो हर वक्त काम में लगा रहता है खुद भी करता है और लोगों को भी उसके लिए आ, लोगों के काम भी आता है और सोसाइटी फलती है फूलती है बड़ी होती है और अल्लाह की सारी नमतों से जो है वो मुस्तफीद होती है सो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड इवन वेबर का भी यही आइडिया था जो उन्होंने हिंदुजम के ऊपर जो आइडिया था उनका कि ये जो हिंदू अप्रोच है ये हिंदुता की अप्रोच है उसकी वजह से जो है वो डिलेमेंट है सुस्ती है काहली है और उसके अंदर काम की तवज्जो नहीं है लेकिन उसको बाद में कई लोगों ने रिजेक्ट किया लेकिन आइडिया सम हाउ दुरुस्ता लेकिन मजहबी तौर पर जिस भी आप सोसाइटी को देखेंगे तो जो ज्यादा उसमें इंड्यूस हो जाते हैं तो योग की तरफ जोग की तरफ सन्यास की तरफ क्या हमारे यहाँ पर जो है कुछ आ, मतलब गलत इंटरप्रटेशन सूफीज़म भी आ जाती है और तबलीग का साइड पर चले जाते हैं तो सारे घर बार को काम को सब कुछ को छोड़ कर आ, आ, कशी पर इख्तियार कर लेते हैं रहबानियत का सफ़र भी होता है तो ये बिल्कुल कल्चर ये साइकोलॉजिकल जो आपको डेवलपमेंट इसमें मिलती है कि कल्चर पर इम्पेक्ट करती है और इफ़ेक्ट लेकर आती है तो साइकोलॉजी ये कहती है कि इसको ग्रैंड प्लान बनाना है कल्चर का ग्रैंड प्लान आपको बनेगा तो वही अक्सर आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजीज के अंदर आएगा सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस इन टुडे साइकोलॉजिकल एंड द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द अचीवमेंट सो ये जो अचीवमेंट है वो प्रोडक्टिविटी है बेनिफिट है और आपनी मकसदियत को आपने अथेंटिकेट uh, करना है और बताना है uh, कि आप अकाउंटबल हैं और आप आंसरेबल uh, है अपने आप को कि आपने कितनी प्रोडक्टिविटी की थैंक यू वेरी मच